राम राम हरे 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 कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता की चौथा अध्याय में से 11 नंबर श्लोक हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप चौथा अध्याय की 11 नंबर श्लोक निकालिए, सब हमारे पीछे बोलिएगा, है ना। एक जन का अनम्यूट करता हूँ, पीछे श्लोक बोलना है आपको। रंजन प्रभु आप अपना अनम्यूट करिए। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तथैव भजाम्यहम्। तामस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमान वर्तन्ते, मम वर्तमानो वर्तन्ते, मनुष्याः पार्थ सर्वसः, मनुष्याः पार्थ सर्वसः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ताम तथैव भजाम्यहम्। ताम तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमान वर्तन्ते, मम वर्तमानो वर्तन्ते, मनुष्याः पार्थ सर्वसः। मनुष्याः पार्थ सर्वसः। कौन कौन नहीं बोल रहे, सब लोग को बोलना चाहिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ताम तथैव भजाम्यहम्। ताम तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमान वर्तन्ते, मम वर्तमानो वर्तन्ते, मनुष्याः पार्थ सर्वसः। मनुष्याः पार्थ सर्वसः। ठीक है भैया, आप म्यूट कर लीजिए अभी। तो यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि यो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस तरह माम मुझे प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में आते हैं, ताम तथैव भजामि हम, जो जिस भाव से मेरा शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप उसे मैं फल देता हूं। यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जो जिस प्रकार से मेरा शरण लेते हैं मैं उस प्रकार से उसको फल प्रदान करता हूँ। मम वर्तमान वर्तन्ते, और प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का ही अनुगमन करता है। मनुष्याः पार्थ सर्वसः, सभी मनुष्य क्या करते हैं, मेरे बताए हुआ पथ को अनुगमन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, सभी प्रकार के व्यक्ति। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम जितना भगवान का शरण लेंगे भगवान उतना ही हमको फल देंगे। हम जितना भजन करेंगे भगवान उतना ही रिटर्न में प्रेम देंगे। हम जितना ही कृष्ण को प्रेम करेंगे कृष्ण भी उतना ही हमको प्रेम करेंगे। ठीक है, हमने सुना है कि हम एक कदम बढ़ेंगे तो कृष्ण कितने कदम बढ़ते हैं, 100 कदम बढ़ते हैं। ठीक है, जो भक्त प्रयास कर रहा है, प्रयत्नशील है, और जो पाप को बंद कर चुका है, अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते दंड मोहनम तो भजितानाम दृढ़। तो जो जिसका पाप अंत हो चुका है, जो पाप को रोक दिया है, जो भक्त है, और जो अभी प्रयास कर रहा है, वो भक्त अगर एक कदम भी बढ़ाता है तो भगवान उसके पास 100 कदम बढ़ा के आते हैं, उसको रक्षा देते हैं। हमारे जैसे पापी, दुराचारी, दुर्बुद्धि, नीच, अगर भगवान के पास एक कदम जाएंगे भगवान क्या करेंगे। ये श्लोक हम लोग के लिए अप्लाई है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव, हम एक कदम जाके भगवान बोलेंगे ठीक है, बड़ा कामी है, बड़ा क्रोधी है, बड़ा दम्भी है, अभी तक पाप कर रहा है, अभी तक बड़े ईर्ष्या कर रहा है, भक्तों को निंदा कर रहा है, ठीक है, ये एक कदम आ रहा है, ठीक है, मैं उसको एक कदम जाता हूँ उसके पास। मगर जो पाप रोक दिया है, हृदय से प्रयास कर रहा है, लोग भगवान क्या करते हैं, बहुत उनको हेल्प करते हैं।
जो भी है यहाँ पर इस श्लोक के अनुसार ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वस्व। इसलिए हम लोग को पूर्ण तरीके से प्रयास करना चाहिए भगवान का शरण लेने का पूर्ण तरीके से। अगर थोड़ा इधर थोड़ा उधर होंगे तो भगवान भी थोड़ा 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 करके हमको फल देंगे, पूर्ण फल नहीं देंगे, है कि नहीं। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि पूर्ण शरणागत हो भगवान का। काये न वाचा मनसिन्द्रियेवा बुद्ध्यात्मनम्, काये न वाचा मनसा, अपना शरीर से वाणी से अपने मन से भगवान का शरण। यही भागवत धर्म है, यही भागवत धर्म है। ग्यारहवा स्कंद में नवयोगेंद्र ने निमि को उपदेश देते हैं, उसमें कहा जा रहा है क्या ये न बाचा मनुष इंद्रिय, अपने शरीर से अपनी वाणी से अपने मन से अपने कार्य से अपनी बुद्धि से हर तरीके से भगवान का ही सेवा किया जाए, उनका ही शरण लीजिए, उसको भागवत धर्म कहते हैं। तभी हम अपना आप को जांचना चाहिए हम कितना शरण में है कि नहीं। अगर हमको कोई संकट आता है तो हम किसका स्मरण करते हैं, पैसा को या घर वालों का या समाज वालों का या डॉक्टर को या इंजीनियर को, किसको स्मरण करते, या कृष्ण को। कोई कोई पूछते हैं भक्त प्रभु जी हमारा शरणागति कितना है, हम कैसे पता करते हैं। आप परिस्थितियां जैसे आपके सामने आता आप किसको स्मरण करते हो, उस समय कृष्ण को करते हो तो आप शरणागत हो। आप कृष्ण के अलावा धन के धन को करते हो, मान लो अभी जो है आपको स्कूल फीस भरनी है बच्चों का, तो उस समय हम किसका स्मरण करेंगे, नॉर्मली पैसा का, धन धन टका चाहिए अपने को टका, तभी तो स्कूल फीस भर पाएंगे बच्चों का। अगर उस समय कोई कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण ये संतान आपका है, आप इसको चाहे तो आप इसको एडमिशन करा, लेकिन तो उस समय क्या सोच रहे हो आप, कृष्ण को सोच रहे हैं कि धन को सोच रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हो या कितना बोल रहे हो, वो आप वो मेन महत्वपूर्ण। हरे कितना 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 हरे हरे, तो कृष्णा नहीं है, कितना ही आपके दिमाग में चलेगा, कितना कितना मिलेगा प्रभु, कृष्ण होनी चाहिए, हरे कृष्ण, यानी हर परिस्थिति में कृष्ण को स्मरण करें। कहते हैं ना मरते समय जीते समय हर हर समय कृष्ण का स्मरण। वो एक भजन है कौन सा, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले वृंदावन की, वृंदावन में मेरा उसमें वास हो, उस समय शरणारविंद में स्मरण हो। लेकिन तो जब हम अभी जी रहे हैं, वैसे तो सब जी रहे हैं, पशु भी जी रहा है, पक्षी भी जी रहा है, पेड़ भी क्या नहीं जी रहा है, तरोर तरो पेड़ भी जी रहा है, कितना जी रहा है, हमसे तो ज्यादा पेड़ जीता है, लेकिन पेड़ कई हजारों साल जीता है तो हमने कौन सा बड़ा चीर मार दिया जी कर, ठीक है नहीं। और खाना हमसे अच्छा है, खाना पीना तो पशु करता है, हमने कौन सा अच्छा चीर मार दिया। देखा जाए तो हम जितने भी कार्य करते हैं हमसे अच्छे कोई दूसरा जीव करता है। सोना क्या सो रहे हो भाई, भालू कितना सोता है पता है क्या, भालू हमसे बहुत कहीं गुना ज्यादा अच्छे से सोता है और ज्यादा नींद खींच लेता है, हम क्या सोते हैं उसमें, हमारा सोने में भी डिस्टर्बेंस है। आजकल वो एक एक भक्त ने घड़ी पहना था, बोला ये घड़ी क्या थोड़ा अलग दिख रहा है, बोले प्रभु जी इसमें कितना सोया कितना चला कितना जगह सब पता चल जाएगा, कितना डीप स्लिप हुआ आपका, कितना मीन्स लाइट स्लिप किया आपने, सब पता चल जाएगा घड़ी में, कितना घंटा आपने डीप सोया मीन्स एकदम घोर निद्रा में सोए। तो मतलब प्रभु जी आपका कितना डीप स्लिप, मतलब डीप स्लिप तो सिर्फ एक घंटा या डेढ़ घंटा ही होता है,
बाकी समय मैं तो सोता था आध घंटा, मगर डीप स्लीप 1.5 घंटा, बाकी समय इतना चिंताग्रस्त है व्यक्ति डीप स्लीप सो ही नहीं सकता है। जिसका चिंता नहीं हो मजे से सो सकता है, सही बात है कि नहीं है? आराम से कौन सोता है बताइए, जो एकदम मस्त की कौन सोता है, जिसको कोई टेंशन बाजी नहीं। हम लोगों को तो हजारों टेंशन, हम क्या डीप स्लीप लेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ चिंताएं चलता रहता है, और सोने के बाद भी उसमें सपने आते हैं। हाँ मुझे अभी धन प्राप्त हो गई है, लॉटरी प्राप्त हो गई, क्योंकि ना यही सोच रहे ना दिन भर, मैं राजा बन गया हूँ कहीं का, या मुझे कुछ हो रहा है कुछ, तो क्योंकि ना हमारा दिमाग ये सब चलते रहती है। कहने का तात्पर्य है कि हम इतने चिंताग्रस्त है, इतने चिंताग्रस्त है, वो हमारे कर्मों का हम फल भुगत रहे हैं, और हम कर्म क्रिएट कर रहे हैं और कर्म को भुगत रहे हैं, कर्म को क्रिएट कर रहे हैं, कर्म भुगत रहे हैं, उसका प्रारब्ध हमको मिलता रहता है। हमारे कर्म का हमको ही तो भुगतना पड़ेगा, और कौन भुगतेगा? जो भी है, मगर जीवन का सार्थकता क्या है? भगवान को प्रपद्यंते शरण में जाना, किसका? कृष्ण का। कृष्ण का शरण जाना है जीवन का सार्थकता है, ये तो समझना पड़ेगा आज नहीं तो कल, तो ये तो समझना ही पड़ेगा कि हमको कृष्ण का ही शरण लेनी है, क्योंकि ना भौतिक संसार में किसका भी शरण लिया हमने तो उसमें हमको धोखा ही मिला, धोखा ही मिला, और मिलता भी रहेगा, मिल भी रहा है, कोई 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 फायदा नहीं हुआ। बहु जन्म भ्रमी ना तो लोइनु शरण, ए बार करुणा करो ये अधम तारण। भक्तिनाथ ठाकुर प्रार्थना करते, बहुत जन्मों से आपका शरण नहीं लिया, भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे कहीं लोगों का शरण लिया मैंने संसार में, कम से कम इस जन्म में है प्रभु आप अपने शरण में ले जाओ मुझे, ए बार करुणा करो, इस समय आप मुझे कृपा करिए, आप अपना शरण में रखिए। शरण भगवान और भक्तों का शरण बहुत जरूरी। हरिदास ठाकुर को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, हरिदास सब लोगों ने कुछ ना कुछ मांगे मुझे, आप कुछ मांगिए? हरिदास ठाकुर बोलते क्या मांगो प्रभु? नहीं नहीं कुछ मांगे नहीं, मेरा कोई इच्छा नहीं, कुछ मांगो मैं देना चाहता हूँ हरिदास आपको। हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, सचिरानंद ना बाप कृपा करो मोरे कुकुर करिया रखो, कुकुर करिया मते राखो भक्त घरे। हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे क्या, सचिरानंदन बाप कृपा करो मोरे, हे सचिरानंदन, हे सचिनंदन गौर हरि, अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं वरदान, एक काम करिए, क्या मुझे किन की शरण में रखिए? मुझे भक्तों की शरण में रखिए। किस प्रकार से? कुत्ता बनाकर रखिए, कुकुर करिया मते राखो भक्त घरे, मुझे कुत्ता बनाइए, और किसके घर पे कुत्ता बनाइए? भक्तों के घर पे कुत्ता, उनकी चरण चरणों में पड़ा रहूंगा, उनकी पैरों के नीचे पड़ा रहूंगा, उनके चरणों के नीचे पड़ा रहूंगा, बस। कुत्ता क्या करता रहता है? मालिक आते तुरंत उसके पास जाके उनके आसपास घूमता रहता है, उसके चरणों के पास, है कि नहीं? कुत्ता का देखो, वफादार कुत्ता। हरिदास ठाकुर बोल रहे ऐसे भक्तों की चरणों में पड़ा रहो बस मेरा, ये वो झूठा दे दें तो झूठा खाते रहो, उच्चिष्ट वो उनका मिलता रहेगा, और उनके चरणों में शरण में रहूंगा, सेफ तो रहूंगा, माया से तो बचे रहूंगा, क्योंकि ना मेरे मालिक है, कोई अगर अटैक करेगा तो मालिक डंडे से मारेगा उसको, है कि नहीं? जो कुत्ता पालतू कुत्ता देखिए, उस कुत्ता को दूसरा कुत्ता कोई भौंकने आता है तो मालिक डंडे से भगा देता है, कि नहीं? और जो बाहर घूमने वाले कुत्ते हैं जो पालतू नहीं है, उनको कोई कुत्ते आगे काट लेते हैं, झगड़ा करते हैं, है कि नहीं? कोई भगा देता है, कोई मारता है, कोई खाना देता है तो नहीं देता है, उनका स्थिति गंभीर। अगर जो पालतू कुत्ता है उसको कितना जत्न लिया जाती है उसका मालिक, तो इसीलिए हरिदास ठाकुर बोल रहे अगर मैं भक्तों की शरण में रहूंगा तो क्या होगा, मुझे हर परिस्थिति में भक्त मुझे रक्षा करेंगे, और भक्तों की शरण में रहते हुए ही सचिरानंदन में आपका शरण ले पाऊंगा। तो शरण यहाँ पर प्रपद्यंते शब्द आया शरण, इसलिए मैं शरण के बारे में कह रहा हूं। यह यथामम प्रपद्यंते, जो जिस भाव से शरण लेता है, शरण भी देखिए भाव क्या, हमारा
कृष्ण की शरण ले रहे हैं मगर क्या भाव है, नाधनम नाधनम ना सुंदरम कविता, ये भाव होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इसको बता दिया हमको शिक्षाष्टकम, शरण लेनी है तो क्या भाव से, नाधनम नाधनम ना सुंदरम कविताम्बा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर अये तुकी त्वय। ये असली शरण का मूड है, मूड ऑफ शरणागति, मूड ऑफ सरेंडरनेस, ये मूड है चैतन्य महाप्रभु। ना धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, फिर क्यों मेरा शरण लिए हो अगर धन नहीं चाहिए तो। सब लोग मेरे पास आते हैं धन लेने के लिए, आप बोल रहे धन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, जन्म, आपको बहुत मान सम्मान चाहिए इसके लिए आए हो, नहीं ना जन्म, ना धनम ना जन्म, अच्छा आपको जन्म भी नहीं चाहिए, फिर क्यों आए मेरे पास, कोई सुंदर सुंदरी चाहिए आपको, विवाह करनी है, ना सुंदरी, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, फिर क्या चाहिए, सुंदर सालंकारिक कविता चाहिए आपको, कविता भी नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कवितम वा, हे जगदीश काम है मेरा कोई कामना नहीं, फिर मेरे शरण में क्यों आई अगर कुछ कामना नहीं है, मेरे शरण में जो भी आता है मैं बिना देखे उसको भेजता नहीं हूं, मेरा एक स्वभाव है कि मेरे पास जो भी आता है मैं उसको कुछ ना कुछ देता हूं, भगवान कहते। फिर आप बोलते मुझे धन भी नहीं चाहिए, जन भी नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए, अलंकार कविता, फिर क्या चाहिए, तो एक चीज मुझे चाहिए, मम जन्मनी जन्मनी स्वरे भवता भक्त भक्तिर अहेतु की, तो मेरा जन्म जन्मांतर मैं आपकी अहेतु की भक्ति करते रहूं, मुझे प्राप्त होते रहे, ये मुझे आप आशीर्वाद करें, इसलिए मैं आपके शरण में आया। वो अच्छा अच्छा आपको भक्ति चाहिए, ये सही मूड है, बाकी भगवान तो हर इच्छा पूरा करते ही, ऐसी बात नहीं, भक्त अगर जो भी इच्छा करते उसको पूरा कर लेते, भगवान उनका नाम ही पूरा कर सकता है तो भगवान पूरा नहीं कर सकते क्या, भगवान का नाम पूरा कर लेता है और भगवान क्यों पूरा नहीं कर सकते, कर सकते हैं मगर भक्त का कोई इच्छा नहीं। श्रीधर का हमने सुना था, श्रीधर का भगवान बोले कुछ मांग श्रीधर, श्रीधर क्या मांगे थे, यही जो महाप्रभु का मूड है वही श्रीधर का मूड था। श्रीधर कोलावेचा श्रीधर याद करिए, मैंने आपको एक बार कोलावेचा श्रीधर का प्रसंग पूरा सुनाया था, अरे श्रीधर कुछ मांगो, मुझे बहुत प्रेम है आपके प्रति, आप कुछ मांगो, आपकी भक्ति में मैं प्रसन्न हूं। श्रीधर बोलते हैं ऐसे तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, नहीं नहीं श्रीधर मैं देना चाहता हूं, मैं मेरे 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 प्रसन्नता के लिए आपको मांगने के लिए बोल रहा हूं, मुझे अच्छा लगेगा आप मांगोगे। श्रीधर बोलते हैं कि कुछ देना चाहते हैं तो मुझे हर जन्म में ये कोला बेचा इसी धीरे बनाइए और आप सचिरानंद मेरे पास आइए, मेरे केला को, मेरे केला के पत्ते को, मेरे केला के छोड़ को आप बार्गेनिंग करके फ्री में ले जाइएगा हमेशा, हर जन्म में मुझे ये चाहिए, यही अहितु की भक्ति है, मम जन्मनी जन्मनीश्वर है, यही अहितु की भक्ति है। महाप्रभु आते थे कोला बेचा श्रीधर के पास, आके बोलते थे श्रीधर केला कैसे दिया, बोले 25 पैसा है, ए तो बहुत मुनाफा लेता है, इतना पैसा नहीं होता, महाप्रभु बोलते दे दे 10 पैसा में दे दे, बोले कि मेरा तो खरीदना ही 24 पैसा का है, मैं 10 पैसा कैसे दूं, ये झूठ बोलते, बहुत धन कमाया श्रीधर तूने, श्रीधर का घर क्या था, टूटा फूटा घर था और श्रीधर के पास और क्या था, एक एक टूटा फूटा कटोरी था उनके रूम कमरे में, बस लोटा जैसे, उसी में कुछ मिलता था खा लेता था, उसी में पानी पीते था, वही कटोरी पड़ा, देख लो सिद्धर इतना इतना ही इसका धन है। महाप्रभु बोलते तू छुपा के बहुत धन रखा है, मुनाफा बहुत लेता है, और सिद्धर जो भी उस बेचता था उसमें से 50% कहां देता था, यमुना को देता था, सॉरी गंगा की सेवा में देता था, और कुछ प्रतिशत साधुओं की सेवा में देता था, और जो बचता था वापस केला वगैरह खरीद के वापस बेचता था। ऐसा दयनीय स्थिति में भी महाप्रभु क्या बोलते, हे सिद्धर तू है ना बहुत मुनाफा लेता है और छुपा के बहुत धन रखा है, एक दिन मैं छापा मारूंगा आपका घर, जैसे आते हैं ना वो इनकम टैक्स वाले छापा मारने, मैं आपके घर छापा मार, आ जाओ निमाई आ जाओ छापा मार, महाप्रभु कहते थे 10 पैसा में दो, और इतना बार्गिंग करते थे श्रीधर बोलते चलो यार लड़का सुंदर है बोलने में मधुर है, महाप्रभु बोले तो मधुर ही होगा, है ही बड़े सुंदर है परम भगवान है, तो इतने प्रसन्न हो जाते ये कोई बात नहीं, 10 पैसा में भी देगा लेगा तो कोई बात नहीं, बड़ा आनंद मिलता है इससे बात करके,
महाप्रभु क्या श्रीधर क्या बोलता है, ठीक है 10 पैसा मिलेगा। बोलते देख मेरे पास पैसा नहीं, तो फ्री में देता है। तो बोल बोले अभी तो 10 पैसा में बार्गेनिंग की, अभी फ्री में मांग रहे। बोले मेरे पास पैसा कहाँ है, मैं तो ब्राह्मण हूँ। महाप्रभु ब्राह्मण थे, जगन्नाथ मिश्रा का लड़का, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कहाँ पैसा आएगा, मैं तो फकीर हूँ। बोले चलो ठीक है फ्री में ले जाओ। तो महाप्रभु आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा बार्गेनिंग करते और बहुत फटकारते हुए फ्री में ले जाते और रोज आते ऐसे करते। और श्रीधर को बड़ा आनंद आता, महाप्रभु जब फ्री में ले जाते श्रीधर को इतना आनंद आता, हा हा स्वयं भगवान मेरे हाथ से ले जा रहे हैं, अरे क्या रख। और श्रीधर अंत में मांगे भी यही, मेरा ऐसे हर जन्म में मुझे यही श्रीधर बनाओ, मैं केला बेचूं और आप आके मेरे पास आके बार्गेनिंग करके ले जाओ। तो जी यही भक्तों की असलियत में मूड है। तो खैर तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेंगे आप में से तात्पर्य? राजकुमार को पढ़ेंगे तात्पर्य, पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह के भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती है और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और देवी धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का देवी आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने अस्तित्व को मिटाकर भगवान के दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ तो सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थिति नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। और जो योगी है और जो योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विद्याएं एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावरामत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में 2.3.10 में कहा गया है, कामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथिः त्रिवेण भक्ति योगेन यचेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनावृत में होता है। वेरी गुड, थैंक यू। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भक्त और जो निर्विशेषवादी
दोनों का भेद बताते हैं। जो भक्त होते हैं वो इस जगत में भी और परलोक में भी, यह लोक और परलोक दोनों जगह पे आनंद को अनुभव करते हैं, आनंद को लूटते हैं। मगर यहाँ पर देखिए बताया गया है, शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और श्री भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वह उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर भी आनंदित रहते हैं, जब भगवान के लोक में जाते तब भी आनंदित रहते हैं। मगर जो निर्विशेषवादी है वो लोग क्या करते हैं, ना यहाँ पर आनंद में रहता है ना भगवान की धाम को, कहते हैं कि वो तो भगवान की धाम में प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं, उनको वापस आना पड़ता है, उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दी जाती है, तो वैकुंठ लोक नहीं जा पाते, तो भगवान की साकार रूप को नहीं मानते हैं। और कहते हैं जो सकाम कर्मी है, सकाम निष्काम, सकाम यानी कुछ कामना है और निष्काम यानी कोई कामना नहीं। ठीक है, भगवदगीता का हर चैप्टर का नाम कैसे दिया गया है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, है ना, योग दिया गया। कर्म योग कृष्ण के साथ जुड़ दिया जाए जो कर्म, उसको कर्म योग कहते हैं। निष्काम, निष्काम उसमें मेरा कुछ इच्छा ना हो, अपना खुद के लिए कोई इच्छा ना हो, उसको निष्काम कर्म योग कहा जाता है। मगर जो सकामी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान, जिसको जो चाहिए भगवान उसको प्रदान करते हैं वो चीज। भागवत से श्लोक कोट करते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दि तीव्रेण भक्ति योगेन यजे तो परमम पुरुषम परम। अगर निष्काम हो या फल की इच्छा हो या मुक्ति की इच्छा भी क्यों ना हो, उससे पूरे सामर्थ्य से श्री भगवान का सेवा करनी चाहिए। कुछ भी इच्छा भी हो तो किसका सेवा करनी चाहिए, कहते हैं भगवान कृष्ण की, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान श्री कृष्ण भावनामृत में होता है। कुछ भी इच्छा क्यों ना हो, अगर कृष्ण के शरण में लेते, कृष्ण उनकी इच्छाओं को खत्म कर देते, यही कृष्ण का स्पेशलिटी है। भगवान में, देवी देवताओं में अंतर यही है, भगवान इच्छा खत्म कर देते, देवी देवता इच्छाओं को बढ़ा देते हैं। आज गाड़ी दिया तो कल और बड़ा एरोप्लेन चाहिए, इच्छा बढ़ गई है, घटा नहीं है। मगर कृष्ण क्या करते हैं, आप उनके पास इच्छा लेके जाओगे, देंगे, देते हैं, मगर कैसे, उसका इच्छा खत्म करके देते। ध्रुव महाराज जी गए थे कुछ मांगने के लिए, भगवान ने दिया उनको, ध्रुव लोक दिया, उनका इच्छा खत्म कर दी। ये भगवान का स्पेशलिटी है। तो जितने भी भागवत में उदाहरण आता है, शास्त्र में उदाहरण आता है, तो आप देख सकते हैं जो भी भक्त भगवान से कुछ मांगा है, उन भक्तों को देखिए वो पूरा पूरी एकदम निराशक्त हो गए, कोई आसक्ति नहीं रहा बात। तो ये भगवान का स्पेशलिटी, इसीलिए कुछ भी इच्छा हो लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। देवी देवताओं के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, कुछ इच्छा को पूरा, अरे इच्छा पूरा भी करना है, प्रभु जगन्नाथ की शरण में आना चाहिए, जगदीश की शरण में आना चाहिए, कृष्ण की शरण में आना चाहिए, परम पुरुष आपकी इच्छा भी पूरा करेंगे और आपको इस भौतिक संसार का आसक्ति खत्म कर देंगे। तो ये अंत में रूपा जिसको कोट करते भागवत से, बड़ा सुंदर श्लोक है, सबको याद कर लेंगे। अकाम सर्व कामो वा मुख्य काम उदार दि तीव्रेण भक्ति योगे न यजे तो पुरुषम परम। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता की जय।